वहीं कोलकाता में नीट यूजी एग्जाम में मेरिट लिस्ट में पैसों के बदले किसी कैंडिडेट का नाम जोड़ने का मामला सामने आया है। आरोपी ने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मेरिट लिस्ट में नाम जोड़ने और कॉलेज में मेडिकल सीट देने के लिए 5 से 12 लाख रुपए तक की रकम वसूली है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपी को 25 जून को देर रात गिरफ्तार किया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है। वहीं बिहार ईओयू की रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के हजारीबाग में क्वेश्चन पेपर के रखरखाव और रिसीविंग में लापरवाही हुई है। क्वेश्चन पेपर को 3 मई को कूरियर कंपनी के जरिए दिल्ली से रांची फ्लाइट से भेजा गया।